अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आरती है जी, जय गोपी चित्त
चोर प्रभु जय जय चोर वृंदावन बिहारियाल की श्रीमद भागवत महापुराण की श्रीमद भागवत कथा षष्ठम दिवस की कथा का शुभ आरंभ करके बड़े प्रेम से बड़े भाव के साथ में मन वाणी को पवित्र करते हुए ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करें, वाणी को पवित्र करें। गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए। द्वार मन के खोल कहिए, द्वार मन के खोल कहिए, द्वार मन के आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, ओ आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए। गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, द्वार मन के खोल कहिए, द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, ओ आइए प्रभु आइए, बात को
से बड़ा कोई पापी नहीं है, पर आपको आना पड़ेगा। हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, तुम ही कहते फिर गाते हो क्यों, नहीं दिनों पे आप दया करते, फिर दीन दयाल कहते हो क्यों, फिर दीन दयाल कहते हो क्यों, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए। द्वार मन के खोल कहिए, द्वार मन के खोल कहिए, द्वार मन के खोल कहिए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, ओ आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, ओ गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, गोविंद के गुण गाइए, गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए, आइए प्रभु आइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो, क्योंकि आज तो ठाकुर जी का विवाह है, देरी तो हो जाती है बुआ जी, हो जाती है, विवाह का आज एक प्रसंग होगा, विवाह का प्रसंग है ना, तो शादी में शॉपिंग पे चले गए ना, विवाह का बहाना मिला, सभी को बहाना मिला, उतनी देर ज्यादा बैठाऊंगा जितना आपके हाथ में। बुलवंती बिहारी लाल की जय। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि जैन परिवार को निमित्त बना करके आज ठाकुर जी की शरण में विराजमान हैं। या तो आपकी ठाकुर जी से मैचिंग हो जाए, या फिर ब्यास जी से मैचिंग हो जाए, बात देखी मैचिंग, हमारी कोई बात तो नहीं हुई ना, सुने तो इसका अर्थ ये है कि ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान होने के, ऐसे ही विराजमान रहे, आप सभी के जीवन में ऐसे ही बना रहे, आपको ऐसे ही अपनी संकीर्तन कथा
सत्संग प्राप्त होता रहे, यही व्यासपीठ से मेरा आशीर्वाद है और भगवान से यही मेरी कामना है। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि ठाकुर जी ने किस प्रकार से इंद्र का पूजन बंद करवा दिया। इंद्र का पूजन बंद हुआ है और गिरिराज जी का पूजन करने के लिए ब्रजवासी चल दिए। ब्रजवासी का, गिरिराज जी का ब्रजवासियों ने जब पूजन किया तो पहले तो आप मुझे ये बताओ गोवर्धन कौन कौन गया था? सभी ज्यादातर गए। तो कल क्या गोवर्धन नहीं गए थे जिन्होंने हाथ पीछे किए? कल गोवर्धन ही तो यहाँ थे। अब कथा तो साहब ऐसे ही है, आप गोवर्धन जाओ या गिरिराज जी को यहां बुला लो, एक ही बात है। गोवर्धन की कथा जब आती है तो मुझे बड़ा आनंद आ जाता है क्योंकि हमारी ससुराल गोवर्धन ही है और ससुराल की कथा तो एक है, ससुराल और एक है ननसार। ननसार माने ननिहाल, एक ससुराल एक ननसार, ये दोनों ही सुख के सारे हैं, दोनों तो माल में है। माता जी व्यासपीठ से मैं कह नहीं सकती, फिर वो बहुत कथा काटनी पड़ती है, ऐसी बातें हो जाए तो बीच में से के भाई बोलवा के बिहारी लाल की जय। कल भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करवाया है। गिरिराज जी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। आज बाल कृष्ण गए जिनकी आयु है 7 वर्ष की। कितनी है? 7 वर्ष के ठाकुर जी और 7 वर्ष के गोविंद जो है गिरिराज जी का पूजन करवाते हैं और सबने गिरिराज जी का पूजन किया। पूजन से इतने प्रसन्न हो गए गिरिराज जी के, प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज महाराज की जय। प्रकट होकर के ब्रजवासियों के भोग को ग्रहण करने लगे और कहने लगे आन और लाओ। तो गिरिराज जी के मुखारविंद के सामने ठीक एक गांव है जिसका नाम है आन्योर। और आप गोवर्धन जब जाते हैं परिक्रमा करने के लिए तो वहां गिरिराज जी तो फेमस है, प्रसिद्ध है। अच्छा मथुरा में क्या क्या प्रसिद्ध है? मंदिर हाँ हाँ बुआ जी पहुंच रहे हैं। और वृंदावन की लस्सी। तो मुखारविंद के जो फेमस है, जो मुखारविंद आपको पता हो, पूरी दुनिया में केवल मुखारविंद पे ही जतिपुरा गिरिराज जी के मुख का दर्शन करते हैं। आलू की और दही की जलेबी भी मिलती है। अब मुंह में पानी आ गया सब। आलू की और दही की जलेबी कभी चलेंगे पवन जी ससुराले साहब हमारी पंडित जी भी गोवर्धन के ही है। तो ठाकुर जी जब लेकर के गए गिरिराज जी का पूजन कराने के लिए, गिरिराज जी प्रकट हो गए और ब्रजवासी तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले लाला तेरो देवता तो बहुत जोरदार है। बस सारे इंद्र को हमने आज तक महुना देखो, कारो है गोरो है कैसो है, आज पहली बार पूजन करने आए तो आपके देवता प्रकट हो गए। गिरिराज जी का खूब भोग लगाया, 56 भोग 36 व्यंजन गिरिराज जी को जब प्रसाद के रूप में दिए हैं। तो यहां पर इंद्र को जब पता चला, ब्रजवासियों ने पूजन बंद कर दिया, क्रोधित हो गया। व्यक्ति को 4 वस्तुएं जब प्राप्त हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसका मन डामाडोल हो जाए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे।
चार वस्तुएं जब व्यक्ति के पास में होती हैं तो बहुत ज्यादा गुंजाइश रहती है कि उसका मन उसका चरित्र डामाडोल डोल हो जाए। पहला क्या है? बोले पहले रूप का अभिमान। किसी को बहुत सुंदर भगवान बना दे तो अगला अपने आगे किसी को समझता ही नहीं, ऐसा रूप का अभिमान। दूसरा है बल का अभिमान, बलशाली। तीसरा अभिमान है धन का अभिमान, और चौथा है पद का अभिमान, औहदे का। चारों में से एक यदि किसी के पास बहुत ज्यादा हो तो उसका पतन होने के चांस बहुत ज्यादा है, पर इंद्र के पास तो चारों है। रूपवान भी है, धनवान भी है, बलशाली भी है, और देवताओं के राजा भी तो है, क्रोधित हो गए। आज सभी ब्रजवासी गिरिराज जी का पूजन करके जब अपने अपने घरों घर पहुंचे हैं तो इंद्रम क्रुद्धो प्रचोदयात्, इतना इसको अपमान महसूस हुआ कि प्रलयकारी मेघों को भेज दिया सर। माने कार्य छोटा सा, देवता अगर ब्रजवासी ने एक दिन पूजन नहीं किया तो क्या हो गया? इतने वर्षों से करते तो आ रहे, पर वो जितना पूजन किया सब धरा का धरा रह गया, और इतना ये क्रोधित हो गया कि जो प्रलयकारी मेघ हैं, प्रलय के समय जो वर्षा होगी, पद्म पुराण में लिखा है प्रलयकारी मेघों के बारे में, वो वर्षा इंद्र ने करवा दी ब्रजमंडल के ऊपर, और ऐसी वो वर्षा हुई है कहते हैं हाथी की सूंड की बराबर मोटी मोटी बूंदे। सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े पहुंचे नंद बाबा के द्वार पर, कहने लगे कि बाबा बोला अपने छोरा को, क्योंकि इसी के कहने पर हमने पूजन बंद कर दिया, अब इंद्र के कोप से हमारी रक्षा कौन करेगा। ठाकुर जी आए और आकर ब्रजवासियों को कहा है, अरे ब्रजवासियों एक बात बताओ, तुम्हारा जो प्रसाद है, तुम्हारा जो माल है, वो मैंने खाया हो कि गोवर्धन ने खाया हो? गिरिराज जी ने तो खाया है, तो उन्हीं की शरण में चलो। तो आज जो है दूल्हे राजा जल्दी आ गए, भूलों के बिहारी लाल की जय। सभी गिरिराज जी की शरण में पहुंचे अपने अपने गौधन को लेकर के, और गिरिराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु की शरण, गिरिराज धरण हरि तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हरि जी तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हरि जी तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हरि तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, कि गणं शावर्तकं नाम मेघानां चान्तकारिण, इन्द्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं च हेषु मान्यत। इन्द्र प्रचोदयात् क्रुद्धो, क्रोधित हो गए सब। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
जैसे एक बालक खेल खेल में बगीचा में से फूल को तोड़ दे, ऐसे ही आज हमारे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पहले प्रणाम किया है और वाम अंग की कनिष्ठिका उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गिरधारी भगवान की जय। और कहा आओ ब्रजवासियों, सभी गिरिराज जी की शरण में आ गए, सभी गिरिराज जी की शरण में आ गए। अब तो ठाकुर जी एक हाथ से बंसी बजा रहे हैं और एक हाथ से गिरिराज जी को धारण कर रखा है। सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लठियां लगा ली। आज जब पूरा दिन हो गया वर्षा होते होते, तो ब्रजवासी कहने लगे, लाला देख आज तू सुबह से ही गिरिराज जी को छत धारण करके खड़े हो, ऐसा करो थोड़ा आराम कर लो। ठाकुर जी कहने लगे, क्या तुम साध लोगे? बोले और क्या, तू ये सोच रहा है तेरी उंगली में सब धरोहर, हमारी लठिया भी तो लगी है। तो आज भगवान ने थोड़ा सा आधा इंच अपने उंगली को नीचे किया है, जितनी लठिया लगी थी सब चट चट करके टूट गई। अरे लाला संभालियो, तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया है। सब सोचने लगे, हम तो वैसे ही माटी के माधव बने ठाड़े रहे, ये तो हकीकत में ही कृष्ण ने ही गिरिराज को उठाया है। बोले अच्छी बात है, ज्यादा उंगलियां नीचे नहीं करी, लठिया के संग हमारे कंधा चटाचट बोल जाते। तो बोले अब कन्हैया ने उंगली लगा ही रखी है, देखो तो सही क्या वास्तविकता में इसी ने गिरिराज जी को धारण किया है, देखे तो सही, परीक्षा तो लें। तो सबने अपने कंधे भी हटा लिए, सबने भगवान के वैभव का दर्शन किया है। मैया को चिंता हो गई, मैया दौड़ी दौड़ी शांडिल्य मुनि के पास पहुंची। गुरु जी हैं, गुरु जी एक बात बताओ, मेरे पुत्र के बल में वृद्धि हो, ऐसा कोई उपाय करवाओ। अब ठाकुर जी कहने लगे, कब तक मैं ब्रजवासियों के मुख को देखूंगा? अब इंद्र जो है, इंद्र के पास जितना जल है, जब तक खाली नहीं हो जाएगा तब तक इसका जो क्रोध शांत होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा ना, बच्चा जब रोता है उसको जितना मनाने की कोशिश करो और रोता है, तो फिर क्या करते? बोले रोता रहे, अपने आप रो करके शांत हो जाए। तो ठाकुर जी कहने लगे, जब इसके सारे जलपात सूत्र खत्म हो जाएंगे अपने आप शांत हो जाएगा। ठाकुर जी ने इंद्र को कुछ नहीं कहा, इधर मन ही मन बात हो गई गुरु जी के संग में। तो गुरु जी के पास मैया पहुंची, तो मैया को गुरु जी ने कहा, आप कन्या का पूजन कीजिए, लाला को बल मिलेगा। अब कन्या किसको ढूंढ करके लाए? किशोरी जी को। अब ऋषभान जी के पास गए, बोले कि देखो आपको तो पता है लाला ने सुबह से गिरिराज धारण कर रखे हैं, तो कन्या का पूजन होगा। अब पूजन किया किशोरी जी का और ठाकुर जी के बिल्कुल सामने बिठा दिया। बोले जब तक ये लाली अटकाए ठाकुर के सामने बैठी रहेगी, तब तक लाला को बल मिलता रहेगा। ठाकुर जी कहने लगे, बन गया काम, अब तो राधा रानी सामने बैठी हैं, अब तो इंद्र तो पूरे जीवन भर बरसते रहे, अपने को कोई चिंता नहीं है। तो मैया जो है लाला को निहार रही है, सभी ब्रजवासी जो है सब भगवान के उस वैभव का दर्शन कर रहे हैं। कि कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूं सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूं सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला,
अच्युत युधिष्ठिर के उदो के माधव भक्तों के भगवान संतों के केशव भक्तों के भगवान संतों के केशव सबके मन में अलग अलग प्रकार से संकोच है और सब ग्वाल बाल कहने लगे ये तो साक्षात नारायण है मनुष्य तो है नहीं। अरे इतने विशाल गिरिराज जी, आपको पता है गिरिराज जी कितने लंबे चौड़े हैं, कितने किलोमीटर के गिरिराज जी हैं? इक्कीस किलोमीटर। हाँ छोटी करवा देते हैं, मानसी गंगा की करवा देते हैं, पर गिरिराज जी सात कोस के हैं, 21 किलोमीटर की है। आप सही कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं। दास को तीन बार सौभाग्य मिला है, तीन बार मैंने दंडौती गिरिराज जी की करी। तो आप सभी गिरिराज जी का कल दर्शन किए और आप सभी ने गिरिराज जी की परिक्रमा भी की। सात कोस के गिरिराज जी 21 किलोमीटर, और ऐसा कहा जाता था कि गिरिराज जी की जो छाया है ना मथुरा तक जाती थी। अब कलयुग के प्रभाव से गिरिराज जी एक हिल नित्य प्रतिदिन कम हो रहे हैं। कहीं कहीं तो गिरिराज जी जो है वो धरातल में सपाट हो गए बराबर, कहीं गिरिराज जी का भव्य दर्शन होता है। थोड़ा सा भाग गिरिराज जी का जो है वो राजस्थान में भी लगता है। श्री हनुमान जी महाराज का वहां मंदिर है, जहां कहते हैं पूंछरी का लोटा, वहां पर हनुमान जी महाराज का है, दर्शन करते हैं। थोड़ा सा ही भाग है, 3-4 किलोमीटर। तो आज जब 7 दिन हो गए और बादल बरस बरस गए हार, तो ठाकुर जी ने अपने यथाचित स्थान पर गिरिराज जी को पधराया और प्रणाम करके सब अपने अपने घर को चल दिए। जब घर को पहुंचे तो आज
ठाकुर जी प्रातः काल तैयार हुए खेलने के लिए, तो अपने इष्ट मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं पर कोई उनको लिवाने नहीं आया। अब ठाकुर जी खुद ही वहां पहुंच गए जहां सब एक साथ खेलते थे। खेल के मैदान में पहुंचे तो सब खेल रहे हैं, ठाकुर जी कहने लगे आज ये बुलाने नहीं आए, क्या बात है। ठाकुर जी ने कही भाई क्यों रे, तुम सब अकेले अकेले खेल रहे हो, मुझे बुलाने क्यों नहीं आए। तो सबने जैसे ही गोविंद पहुंची तो प्रणाम करी, बोली भगवान है। अब ठाकुर जी को इस शब्द से तो बहुत नफरत है, बोले भगवान तो जब कल मैया को अपने वैभव का दर्शन करवाया तब भी कहा, और जब वशिष्ठ जी आए तब भी उनको मना कर दिया, बताना मत किसी को मैं भगवान हूं, और आज फिर ब्रजवासी कहते कि तुम भगवान हो। बहुत ठाकुर जी इस शब्द से नफरत करते, मैं तो बाल लीला करने के लिए आया हूं। आज ठाकुर जी ने कहा कि भाई आप कैसे कहते हो मैं भगवान हूं, मैं तो आपके जैसे ही ग्वाल बाल हूं। बोले हमने आपका वैभव का दर्शन कर लिया, अगर आप भगवान नहीं हैं तो 7 दिन के आपने पूतना का वध कैसे कर दिया, 13 महीने के आपने तृणाव्रत का वध कर दिया, अघासुर बकासुर सबका आपने वध किया, बड़े बड़े राक्षस आए और हमने देखा 7 वर्ष की आपकी आयु और गिरिराज जी को धारण कर दिया। ठाकुर जी कहते नहीं नहीं, गिरिराज जी को मैंने कहां धारण किया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कहते हैं मुझे पता था आगे जाकर के कोई ताकत वाला काम करना है, तो तब हम माखन चुरा चुरा करके खाते थे। कछु माखन को बल बढ़ो, जो माखन चुरा करके खाया उसी का तो बल बढ़ गया। और कछु गोपन करी सहाय, आप सभी ने भी हमारी सहायता करी कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय। पर ठाकुर जी अंत में यश किसको दे रहे हैं, अपने यश नहीं रख रहे। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा ते मैंने गिर भर लियो उठाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिर भर लियो उठाए। तो सबको यश दे रहे भगवान। तो मधुमंगल कहने लगे तभी तो मैं कहूं कि अभी 10 दिन पहले तो तुमको मैंने कबड्डी में हरा दियो, मोते ज्यादा ताकतों में कहां आ जाएगी। तो भगवान खेल रहे हैं ब्रजवासियों के संग में। इधर इंद्र ने आकर के मौका जब देखा, गोविंद को एकांत में पाया है, तो क्षमा मांगी है, भगवान की चरणों में लौट गए। भगवान नहीं माने तो कामधेनु गैया को आगे किया है। गैया को देखकर भगवान रीझ गए, कभी गैया के मस्तक पर कभी पीठ पर हाथ फेरते हैं, आलिंगन करते हैं। ठाकुर जी ने गैया को आलिंगन किया, इंद्र ने चरणों को पकड़ लिया। प्रभु अब तो आपको माफ करना ही होगा, मेरी सी गलती हो गई। ठाकुर जी कहने लगे इंद्र यदि तू मेरा अपमान कर देता तो मैं तुझे छोड़ देता, तैने मेरे ब्रजवासियों को परेशान किया भैया, और ब्रजवासी कौन है, मुझे मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें कभो ना बिसारियों मोहिनंद बाबा की आन। इनको मैं कभी भूल नहीं सकता ब्रजवासी। ठाकुर जी को ब्रजवासी इतने प्रिय हैं, ठाकुर जी को 2 बार गारी खाने में बड़ा स्वाद आया। प्रेम से कहो जय श्री राधे। जब ठाकुर जी राम जी अपने ससुराल पहुंचे ना, तो मिथिला की जितनी भी वहां पर सब सेवादार ने सब सखी जानकी जी की सबने झिक करके गारी दी, क्योंकि तो मेहमान को तो गारी खानी पड़ती है। मेहमान किसको कहते हैं, जमाई। और इधर ठाकुर जी को ब्रजवासी जब बने
तो इतना आपस में अधिकार दे दिया इन ब्रजवासियों को। सुखदेव जी कहते हैं इन ब्रजवासियों ने कौन से ऐसे पुण्य किए होंगे कि ठाकुर जी इनके संग में एक देह दो देह एक प्राण जैसा संबंध है। ये ब्रजवासी कोई और नहीं है साहब, ये ब्रजवासी वो हैं जो लाखों लाखों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं ऋषि मुनि। किसी ने कहा हम आपके वैभव का दर्शन करना चाहते हैं, ठाकुर जी ने मित्र बना दिया, करो मेरे वैभव का दर्शन, देखो सात दिन का मैं कैसे पूछना मांगता हूं। किसी ने कहा हम आपके रूप का दर्शन करना चाहते हैं तो गोपी बना दिया, अब आगे रास भी होगा ना। पति रूप में पाना चाहते हैं, काम रूप में पाना चाहते हैं, रूप का दर्शन करना चाहते हैं, सर्वस्व नौछावर करना चाहते हैं, तो क्या गोपी बन गए सब। और गोपी भी कैसी है कि शरद ऋतु जब आती है कितनी शीत होती है साहब, और इसमें जाकर के मैया का पूजन करती है सुबह भोर में और स्नान करती है यमुना के जल में, अपने सारे वस्त्र उतार करके यमुना जी में स्नान करें तो ठाकुर जी कहने लगे देखो ये पूजन तो ठीक है इनका पर विधि गलत है, कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, और ये तो यमुना जी का पवित्र सरोवर है जल है। यमुना नदी में पवित्र जो मेरी अर्धांगनी है, गोपियों का सब कुछ ठीक है पर इनकी विधि गलत है। ठाकुर जी ने कहा मुझे पाने के लिए भक्त श्रद्धा से जो डट गया मेरे मार्ग पर चल दिया उसकी गलत विधि को भी मैं सही कर दूंगा। तो ठाकुर जी ने आज चीर चुराया गोपियों का। इस कथा का थोड़ा सा रहस्य आप समझो, इस देह के ऊपर इस आत्मा के ऊपर भी एक चीर है। देह के ऊपर तो है ही है, ये हम कुर्ता ये कमीज सूट साड़ी पहनते हैं ये तो देह का वस्त्र हो गया। आत्मा का वस्त्र क्या है, है? आत्मा का वस्त्र है शर्मा जी, आत्मा का वस्त्र है जैन जी, आत्मा का वस्त्र है गरग साहब, ऐसी तो हमारे सरने में नाम ही तो जुड़े हैं हमारी देह के साथ में। तो ठाकुर जी कहते हैं वे शर्मा वर्मा सब का मैं हरण कर लूं, केवल मैं और मेरा भक्त बचे साहब। आत्मा जो है परमात्मा का मिलन में ये नेम फेम बड़ा बाधा है साहब। ये शबरी थी ना पिछले जन्म में एक बहुत बड़ी राजा की पत्नी थी, और कुंभ के मेला में जब गए साधु महात्मा कीर्तन कर रहे तो मन में आया कितना सुंदर कीर्तन हो रहा है मैं भी जाऊं क्या, तो पति ने मना कर दिया। पति ने कहा कि तुम कीर्तन में जाओगी लोग मेरी हंसी होगी, आजकल लोग कीर्तन में सत्संग में देख करके जाते हैं कि कीर्तन कौन कर रहा है, किस स्तर का कीर्तन है, स्तर कीर्तन का स्तर हो गया साहब। तो आज वो रानी नेत्रों में अश्रु ले आई, बोली प्रभु तूने मुझे इतना बड़ा क्यों बना दिया कि मैं तेरे कीर्तन में नहीं जा सकती। तो अगले जन्म में ये सबर वंश में सबरी हुई है, और ऐसे परिवार में इसका जन्म हुआ जहां पर मांस मदिरा ग्रहण की जाती है। बचपन में इसने देखा उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, बहुत सारे बकरे बुलाए गए, तो मां से पूछा मां ये बकरे किस लिए, बोले कि तेरा विवाह होने वाला है बरातियों को ही खिलाए जाएंगे। सबरी सोचने लगी कि मेरे कारण कितनी जीव हत्या हो गई, तो छोटी सी वो सबरी घर को छोड़ करके चले गई और महाराज मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची, गुरु माना उनको, कथा बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वहां पर जब वो पूजा करती तो ऋषि मुनि कहते कि तू हमारे फूलों को हमारे बगीचे में मत घुसा कर, क्यों, बोले तू छोटी जात की है। तो अब सबरी रोती है कि प्रभु पहले तेने बना दिया मुझे इतना बड़ा तो मैं तेरा पूजन सत्संग नहीं कर पाई, अब की बार तूने मुझे ऐसा बना दिया कि अब तो छुआछूत के कारण मैं कुछ नहीं कर पाती। कि जात पात पूछे नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि को होए। जिस पंपा सरोवर में ऋषि मुनि जल लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार को स्वरूप को स्नान करवाते थे, सबरी ने गलती से वहां से जल ले लिया तो जितने ऋषि मुनि थे इन्होंने उस सरोवर को त्याग दिया। बोले सबरी ने हाथ लगा दिया इसको। और बंधुओं सबरी को त्यागने के बाद उस सरोवर में कीड़ा पड़ गया। ठाकुर जी ने उस जल को बोले अब कोई नहीं चढ़ाएगा, यदि तुमने मेरे भक्त को रोका है तो ये जल मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मतंग ऋषि जब गए अंतिम समय तो सबरी को मंत्र देकर गए, बोले बेटी मैं तो जा रहा हूं तो राम नाम को कभी छोड़ना मत। तो जानते हो सबरी ने कितने वर्ष तपस्या करी है? एक दो दिन नहीं करी, दो चार छह महीने नहीं करी, साल दो साल भी नहीं करी, 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। रोज जाकर के बगीचे में से फूल तोड़ तोड़ करके लाती, और ऐसा नहीं कि भगवान आज नहीं आए तो ये फूल जो है ये दो दिन चल जाएंगे। हम करते हैं कि नहीं करते ऐसे, फूल पड़े दो दिन चल जाएंगे कोई बात नहीं। सबरी नहीं करती, सबरी तो रोज ताजा फूल लाती है, झाड़ू लगाती है, एक ना एक दिन वो जरूर आएंगे, ऐसे उसके मन के भाव। और ठाकुर जी जब आए पता लगा भगवान को वनवास हो गया तो सभी ऋषि जो है अपनी स्वच्छ कर रहे कुटिया को, पर भगवान कहीं नहीं गए, ठाकुर जी सीधा सबरी के घर पहुंचे हैं। अब सबरी को क्या है कि भाई प्रसाद कहां से लाऊं, तो बेर लाती है, आप सब जानते हैं। और बेरों में भी भाव क्या है कि कोई भगवान को खट्टा बेर ना चला जाए, कड़ुआ ना चले जाए, कसैला ना चले जाए, तो चक चक्कर की देती है। तो जब चक्कर के भगवान को दिया तो भगवान तो ग्रहण करते हैं पर लक्ष्मण जी नहीं करते। लक्ष्मण को दिया तो लक्ष्मण दिखाने के लिए मुंह तक लाते हैं पर पीछे की ओर फेंक देते हैं। बोले झूठे बेर कैसे खाऊं? तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो लक्ष्मण ने बेर फेंके हैं वही जो है संजीवनी बने और लक्ष्मण के प्राण बचाए। तो ऐसा भक्त और भगवान का प्रेम है। भागवत जी में जब हम आते हैं तो ये ना देखें कि श्रृंगार कैसा है, डेकोरेशन कैसी है, व्यासपीठ कैसी है, ना। आपके सामने मेरे से भी पहले हमारे लाल जी बैठे हैं, इनकी ओर देखा करो, इन्हीं को घर ले जाने का प्रयास किया करो, इनकी छवि को मन में बसाओ और घर जाकर के भगवान का भजन किया करो। क्योंकि जब कथा होती है कथा से महीना दो महीना हमारे मन पे ऊपर बड़ा कंट्रोल लेता है, धीरे धीरे फिर वो कंट्रोल भी छूट जाता है। अभी तो भगवान का नियंत्रण है तो क्या करना है, हमारे आस पास, अब लुधियाना धार्मिक नगरी है साहब, कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं भी कोई अच्छा वक्ता मिले तुरंत दौड़ करके लाओ। अब नियम है, मुझे पता लगा माता जी का मंगलवार सुंदरकांड जी का नियम है, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आप भी कहीं ना कहीं अवश्य जुड़े, अच्छी जगह पर जुड़े। ब्रु वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र ने भगवान को नाम दिया गोविंद और गोपियां जो है स्नान कर रही हैं, निवस्त्र होकर ठाकुर जी ने चीर चुराए और भगवान ने गोपियों को कहा कि आप इस प्रकार नग्न अवस्था में स्नान मत करो। तो गोपियां कहने लगी हम किसी और के लिए नहीं करते, आप ही के लिए करते हैं, हमें आप अपने रसमय स्वरूप का दर्शन कराओ। ठाकुर जी कहने लगे कोई बात नहीं, आगामी शरद की पूर्णमासी को मैं आपको अपने रसमय स्वरूप का दर्शन करवाऊंगा। ऐसा वचन देकर के ठाकुर जी अपने भवन में गए और आज शरद की पूर्णिमा आ गई साहब। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान सा पिता रात्रि शरदो फुल मल्लिका बिखिरंतु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। अब रासलीला को समझने का प्रयास करना। पहली सुखदेव जी ने चेतावनी दे दी, भगवान सा पिता रात्रि, माने
ये कोई स्त्री पुरुष का रास नहीं हो रहा साहब, ये रास एक जीव का और परमात्मा के साथ में हो रहा है। भगवान सा पिता रात्रि, भगवान का कृष्ण को और स पिता रात्रि। पिता किसको बोले? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की रात्रि उधार ली ठाकुर जी ने। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? कल बताया ना मैंने, तू तो बेटा 10 कथाएं सुन चुका है। एक दिन उनका 1 वर्ष के बराबर होता है। तो अब क्या है, सपिता रात्रि। रात्रि जो है वो कितने की हो गई? 6 महीने की। 6 महीने का दिन होता है ब्रह्मा जी का, 6 महीने की रात होती है। देवताओं का ऐसे ही होता है सर, उत्तरायण और दक्षिणायन। आज 6 महीने की रात्रि ली भगवान ने उधार, तो आज ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार खुद किया है। भगवान की आयु 7.5 वर्ष की है सब। बोल भांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की आयु कितनी है? 7.5 वर्ष की। और ठाकुर जी ने आज केसर की क्यारियों में से होते हुए आज पहुंच गए बंसीवट, और बंसीवट में जाकर के ठाकुर जी ने बंसी बजाई है। और सुखदेव जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने जो बंसी बजाई, उस बंसी में सभी का नाम ले लेकर के बुलाया है। अरी ललिता, अरी विशाखा, अरी रंगदेवी, आओ आओ। और भगवान की बंसी सबको सुनाई नहीं देती है, भगवान की बंसी उसी को सुनाई देती है जो सुनना चाहता है। साहब सबको सुनाई नहीं देती। अब इधर जो है गोपियां अपने घर के काम कर रही, तो जैसी भगवान की बंसी कानों में पड़ी, सुदबुद को बैठी हुई पता ही नहीं। एक गोपी अपने आंखों में काजल लगाने लगी, और जैसी भगवान की बंसी कानों में पड़ी है, आंखों का काजल होठों पे लगा लिया। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, अपने आभूषण पहन रही थी, ठाकुर जी की बंसी बजी तो पायों की पाजेब जो है गले में पहन ली। अब बताओ साहब, यहाँ काम है कि यहाँ भजन है? काम होता तो चुन चुन करके श्रृंगार करती अपना, पर यहाँ तो भक्त के भगवान के साथ मिलन होने जा रहा है साहब। एक गोपी भगवान की बंसी सुन के पति को भोजन करा रही थी कि काम तो बहुत है, और ठाकुर जी मुझे बुला रहे हैं। तो गौशाला में भी काम है, पति को भी भोजन कराना है, दौड़ रही है, जल्दी फल्दी में काम कर रही है, ठाकुर जी की बंसी बज गई। पतिदेव कहने लगे, अरे कछु लाओ खावे काज। तो गैया के चारे की टोकरी पतिदेव के आगे रख दी, और बोले पाओ मैं काम करके आई हूं। ऐसा वो प्रेम है। सब गोपी दौड़ी दौड़ी गई, ठाकुर जी ने खड़े होकर के स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभागा, प्रियं किं करवाणि व ब्रज त्रीणां पश्ये भूतागमन कारणम्। हरि गोपियों आपका स्वागत है। और जैसी गोपी पहुंची, ठाकुर जी कहने लगे, आप आई क्यों हैं? आपके आने का कारण क्या है? अच्छा, आप किसी पंडित जी को भोजन के लिए निमंत्रण दो, पंडित जी फलाने समय पर आप अपने मोबाइल में अपनी डायरी में कहीं नोट कर लो, हमारे यहाँ फलाने दिन भोजन करने आना है। और पंडित जी अपनी पंडितानी को कह दे कि भोजन मत बनाइयो, यजमान के यहाँ भोजन करने जाना है। और यजमान के भोजन करने पहुंचो तो यजमान खूब स्वागत करे और बिठा के और पूछे, पंडित जी आपका कैसे आगमन होगा? तो पंडित जी को कैसे लगेगा? अब पंडित जी ये तो कह नहीं सकते, आपने फलाने दिन भोजन का निमंत्रण दिया था। अब तो बेचारे यही कहेंगे, यजमान यहाँ से जा रहा था, सोचा आपको आशीर्वाद देता चलो। तो ठाकुर जी भी बंसी में नाम ले लेकर के बुलाते हैं, पर जब गोपियां आ गई हैं तो कहते हैं, क्यों आई हो?
किम कारणम? गोपियां कहने लगी कि आपने तो हमको पागल बना रखा, काम धाम कुछ करने देते नहीं हो और सब लोक लाज को त्याग करके आपके हम इस रसमय स्वरूप का दर्शन करने आई हैं, तो आज कहते हो क्यों आई? अगर तुम अपने पति से लड़कर के आई हो तो देवियों, पति कैसा भी हो पति पति होता है। एक गोपी अपने पति के भोजन बना रही थी, छोटा सा बालक घोटू घोटू चलने वाले। पति देव ने कहा भोजन बाद में करूंगा, पहले मेरा सिर बहुत दुख रहा है, सिर दबा दे। तो गोपी ने सिर गोद में लेकर के दबाने लगी, पति को नींद आ गई और सामने से उसका बालक जो है अब चूल्हा भी जल रहा है और घुटमन जो बालक चलने वाला उसको पता नहीं है कि अग्नि क्या है, वो तो अट्रैक्ट आकर्षित हो गया, चूल्हा की ओर जा रहा है। और गोपी, अगर मैंने जोर से आवाज लगाई पति की नींद खुल जाएगी, तो मैं पुत्र धर्म को निभाऊं के पति धर्म को निभाऊं, करूं तो करूं क्या? तो गोपी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, जो होगा प्रभु आपको समर्पित है। ठाकुर जी कहते हैं कि गोपी के पातिवर धर्म के कारण अग्नि में भी उसके पुत्र की रक्षा हो गई। साहब, तो कभी भी पातिवर धर्म छोड़ना नहीं चाहिए, ठाकुर जी शिक्षा दे रहे गोपियों को। गोपियां कहने लगी ठाकुर जी ऐसी दो चार कहानियां हमको भी आती हैं, सुनाई? आपने तो सुना दी, हम सुनाई? ठाकुर जी कहने लगे सुनाओ। बोले प्रभु एक बात बताओ कि एक पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी जो है अपने पति की सुबह शाम आरती करती है, देव तुल्य मानती है। आज भी मैंने देखा करवा चौथ वाले दिन माताएं खूब आरती करती है, वो एक साल का जो रिचार्ज कर लेती है। तो गोपी जो है पूजन कर रही है अपने पति का, पति को कहीं जरूरी काम से जाना है, पति ने कहा मुझे दूर देश जाना है, पत्नी कहने लगी आपके बिना कैसे रहूंगी? तो पति ने अपना फोटो दे दिया, बोले तुम सुबह शाम इसकी आरती पूजा करना। अब पत्नी राजी हो गई। पति देव गए, दो चार छह महीने बहुत दूर गए थे, याद भी करती है और उनके स्वरूप का पूजन भी करती है। जब पति लौट करके गेट पर आए, दरवाजा खटखटाया, तो पत्नी अपने पति का पूजन कर रही थी। ठाकुर जी कहने लगे बताओ उसको गेट खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? तो गोपी कहने लगी इसमें पूछना क्या है, सोचना क्या है, साक्षात जब पति आ गया तो फोटो की पूजा क्यों करनी? फिर तो पति का सम्मान करो, गेट खोलो, उसको भीतर बिठाओ, उसको दूध पिला करके उसको तृप्त करो, भोजन कराओ, उसको प्रणाम करो। तो ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी ने जब कहा तो गोपी कहने लगी प्रभु जैसे पति के आने पर फोटो की पूजा नहीं होती, वैसे आप हम सबके पति हैं, आपके चरणों में हम आ गए, आप कहते हो घर जाके फोटो की पूजा करो, हम नहीं करेंगे। ठाकुर जी राजी हो गए। ठाकुर जी ने कहा क्या चाहती हो? बोले हम आपके रसमय स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो आज ठाकुर जी ने किया है रास, महारास बाद में होगा, ठीक है, अभी होगा रास। तो एक ठाकुर जी हैं, अनेक गोपियां हैं और आज ठाकुर जी बीच में बंसी बजा रहे हैं, गोपियां जो हैं रास कर रही हैं। हे श्याम सुंदर, आपने तो हमारी नींद, हमारा भोजन पानी सब कुछ छुड़वा दिया। कि श्याम तेरी बंसरी बजने लगे, श्याम तेरी बंसरी बजने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे, क्योंकि श्याम तेरी बंसरी बजने लगे, श्याम तेरी बंसरी बजने लगे, ओ सारी सारी रात में तो जगने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे, क्योंकि
इसी वर्ष इसी महीने में आज से ठीक एक साल पहले भगत जी हरीश गुप्ता जी के, वो भी उस साल की पहली कथा थी और ये भी इस साल की पहली कथा थी। कोलवा के बिहारी लाल की, तो आज भगवान ने गोपियों के संग में रास किया। जितनी गोपियां हैं ठाकुर जी मध्य में किशोरी जी के संग विराजमान है, रास हो रहा है। अब गोपियों को अभिमान हो गया इस बात का कि देखो साक्षात जो है नटवर के संग हम नृत्य कर रहे हैं, साक्षात वो परम पिता परमात्मा हमारे संग में रास कर रहे हैं। गोपियों को अभिमान हो गया। पर सुखदेव जी कहते हैं भगवान किशोरी जी को मध्य में से लेकर के अंतर ध्यान हो गए। हम नृत्य करते करते गोपियों ने देखा अरे ठाकुर जी तो है नहीं, सब ठाकुर जी को ढूंढने के लिए जगह जगह अब विचरण कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं मुंह का स्वागत वन होता है, प्रेम की जो भाषा होती है ये मुंह होती है। अब गोपियां जो हैं प्रेम में क्या होता है, प्रेम में जो सजीव है वो निर्जीव हो जाता है, जो निर्जीव है वो सजीव हो जाता है। अब गोपियां निर्जीव लता पताओं से पूछ रही हैं कि बताओ आपने हमारे कृष्ण को देखा है। तुलसा के पास जाकर के पूछा अरे तुलसा तेरे बिना तो ठाकुर भोग नहीं लगाते, क्या तूने गोविंद को देखा है। तो दूसरी कहने लगी इससे क्यों पूछती है, ये तो हमारी सौतन है, ये तो हमारी सौतन है।
और यदि भगवान हमसे बिछुड़ गए तो इसको तो आनंद आ रहा होगा। आज भिक्षु से पूछ रही है, यमुना जी से पूछा, सबसे पूछने के बाद में अब तो ऐसा उनका वेश हो गया कि लाली मेरे लाल की मैं जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं तो आप ही है गई लाल। अब तो गोपियां एक दूसरे को कृष्ण समझने लग गई, एक दूसरे में भगवान का दर्शन करने लग गई। नीचे 6 ऊपर 5 ऊपर 4 3 2 1 ऐसे खड़ी है गई, और ऊपर वाली जो सबसे है वो नीचे वाले को कहती है अभी मैं तुझे छीके में से माखन निकाल करके देता हूं। एक जो है कदंब के वृक्ष पर चढ़ गए और बोले श्रीदामा तेरी गेंद लेकर के मैं आता हूं। सब अपने आप को ही कृष्ण समझने लग गए साथ। इधर किशोरी जी अपने मन में मान करती है, गोपियों को क्या हो गया अभिमान, राधा रानी को मान हो गया कि ठाकुर जी सबको त्याग सकते हैं पर मुझे नहीं त्याग सकते। तो राधा रानी कहने लगी प्रभु मैं अब ज्यादा चलूंगी नहीं, हमारे तो चरणों में बहुत दर्द हो रहा है। ठाकुर जी कहते क्या करें, बोले ऐसा करो आप हमें अपने कंधे पर बिठा लो। तो एक ऊंचा चबूतरा भगवान ने इशारा किया, किशोरी जी चबूतरा पर चढ़ी हैं और ठाकुर जी ने अपना कंधा लगाया बैठने के लिए, आप बैठिए। जैसी किशोरी जी बैठने को ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो रोती रोती किशोरी जी जहां से गोपियां आ रही हैं इधर से किशोरी जी बोले आपको भी छोड़ करके चले गए। हे नाथ रमणम प्रेष्ट क्वासी क्वासी महाभुज, आप हमें छोड़ करके कहां चले गए। तो गोपियों ने गाया है गोपी गीत। अभी गोपी गीत जो है इसके 18 श्लोक हैं। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंद्रिया सस्वदत्रहि। हे श्याम सुंदर जब से आप जो है ब्रज में आए तब से ब्रज में आनंद हो गया। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज, जब से आपने जन्म लिया है ब्रज में तब से आनंद हो गया। और जब से हमारी भागवत जी ठाकुर जी के रूप में आज लाल जी हमारे यहाँ विराजमान है तब से स्थान पर भी आनंद ही आनंद हो रहा है। साहब 6 दिन हो गए। गोपियां भी कहती हैं श्रयत इंद्रिया माने जब से आप आए हैं तब से इंद्री लक्ष्मी जो है और समस्त देवी देवता जो है ब्रज में बार बार आवागमन करते हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, साहब सब देवता यही आ जाते हैं। और लक्ष्मी तो लोर मारती है आप हमें छोड़ करके कहां चले गए। और आप यदि कहो कि मेरे प्रेमी तो मेरे वियोग में प्राण त्याग देते हैं तो सुनो ठाकुर हम मरना तो चाहती हैं पर आपकी कथा हमको मरने नहीं देती। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि भिरडितम कल्प शापहम श्रवणम मंगलम श्रीमद भागवतम। आपकी कथाओं को सुनते हैं तो हमारे मानो जो प्राण जा रहे हैं वो भी वापस लौट करके आ जाते हैं। तो गोपियों ने गोपी गीत गाया तो सुखदेव जी कहते हैं ठाकुर जी मध्य में प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो ठाकुर जी रिझ गए, अब तो ठाकुर जी को आना पड़ेगा ना। तो ठाकुर जी रिझ गए तो जितनी भी गोपियां थी अब तो पकड़ लिया ठाकुर जी को और कहने लगे कि प्रभु हम अब आपको जाने नहीं देंगे। ठाकुर जी कहने लगे कि गोपियों अभी तक तो हमने रास किया था अब करेंगे महारास। और उस महारास की जो गूंज है वो सभी तरफ गई है। ठाकुर जी आए हैं और महारास हुआ है कि कैसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुध बिसराई शाम ने। कैसी बंसी बजाई शाम ने
भगवान की जय। तैयारी करो भगने की, रुक्मणी जी को लेकर के आज ठाकुर जी ने अपने रसमय स्वरूप का दर्शन सभी को करवाया। कहते हैं सुखदेव जी की गोपियों की जन्म जन्मांतर की साधना असार्थक हो गई, और ऐसे ही साथ होता है, जीव के साथ ऐसे ही होता है। जब उसको ठाकुर जी का सानिध्य मिल जाता है, ठाकुर जी की उनके ऊपर कृपा हो जाती है, तभी ऐसे आयोजन होते हैं। और जब ऐसे आयोजन हो जाएं, आप तो ऐसे नहीं कहा करो संपत्ति बहुत होती है, कारोबार अच्छा चले, तो लोगों को मैंने सुना है, पूछिए कि भाई कैसा कारोबार चल रहा है, ठाकुर जी की कृपा है। हकीकत में ठाकुर जी की कृपा तो अब हुई है साहब, ठाकुर जी की कृपा तो अब हुई, यही धन का सदुपयोग है। आज जब रास हो रहा था, उस रास की गूंज कैलाश पहुंची, भगवान शंकर भी आए। अब ललिता सखी ने रोक दिया, बोले कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि सभी स्त्रियों का ही प्रवेश है। भोलेनाथ कहने लगे कि भाई हम तो जाएंगे, तो बोले आप हमें गोपी बना दो। क्या बना दो? गोपी। भगवान शंकर को खूब बढ़िया लहंगा चोली पहना तो दिया। अब बोले कि इतनी लंबी एक हाथ की दाढ़ी कैसे छिपाएं, तो घूंघट कर लिया भगवान शंकर ने, और ब्रज में तो घूंघट की प्रथा है। अब भगवान शंकर गए, रास हो रहा है, तो ठाकुर जी ने देखा कि सब गोपी तो नृत्य कर रही हैं, पर ये लंबी चौड़ी गोपी कौन आ गई? तो रास करते करते भगवान ने रास को बीच में रोका और कहा कि अरे गोपियों, मैं आपके साथ रास तो करूंगा, पर मैं चाहता हूं कि मैं आप सबके मुख का दर्शन करूं। भोलेनाथ कहने लगे, अरे ठाकुर को नाचते नाचते क्या सूझी? ठाकुर जी मुख का दर्शन करना चाहते हैं, तो गोपी कहने लगे कि प्रभु आप ही के लिए तो आए हैं, कीजिए मुख का दर्शन। तो लाखों गोपियां हैं, तो भगवान शंकर मन में सोचने लगे कि इतनी गोपी हैं, मैं सबसे अंत में खड़ा हो जाऊंगा, तो जब ये मुख का दर्शन करेंगे थक जाएंगे, तो कहेंगे कोई बात नहीं रास करो। तो भगवान शंकर ने युक्ति जचा ली, भगवान शंकर सबसे आखिर में खड़े हो गए, तो ठाकुर जी ने पहली गोपी का घूंघट उभारने लगे, बोले नहीं नहीं उधर से शुरू करूंगा। तो ठाकुर जी सबसे आखिर में जा रहे हैं और भोलेनाथ भागे भागे उधर से पहली तरफ आ रहे हैं। तो जब आखिर में पहुंचे, तो पहले तो वहीं से करना चाहिए, ये तो लास्ट हो गया। अब पहली की तरफ जाएं तो भोलेनाथ आखिर में आए, आखिर में जाएं तो पहले को आए। भगवान कहने लगे सबका दर्शन बाद में होगा, पहले ये चंचल गोपी का दर्शन करना है। भगवान दौड़े हैं और भगवान ने जाकर के जैसे ही भोलेनाथ के घूंघट को उघारा है, साहब क्या दर्शन है भोलेनाथ का, और कहा है आओ गोपेश्वर आपकी रास मंडल में जय हो जय हो जय हो। बोलो गोपेश्वर महादेव की। स्वागत किया है भगवान शंकर का, तभी से गोपी बनकर के वृंदावन में बैठे। आपने गोपेश्वर महादेव के दर्शन करे? कैसे रोज श्रृंगार होता है। आज ठाकुर जी केशी नाम के दैत्य को मार करके जब पहुंचे, तो इधर कंस को बड़ी चिंता हो गई, जिसको मैं भेजता हूं कि मार देता है। तो चाड़ो मुष्टिक के साथ में इमरजेंसी इसने बैठक करी, तो क्या इसने बात जचाई? बोले यज्ञ करते हैं, अब कृष्ण के पास जिसको भेजते हैं वापस आता नहीं है, कृष्ण को यहां बुला लो।
तो यज्ञ का निमंत्रण दे करके अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी वसुदेव जी के भाई हैं। कि किम मया चरितम भद्रम किम मया तप्तम परम। अक्रूर जी कहते हैं मेरे कौन से ऐसे भाग जागृत हो गए कि मुझे भगवान का दर्शन होगा। कंस तू किसी को भी भेज सकता था, तूने मुझे भेजा है। आज अक्रूर जी जब पहुंचे मन में सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो मेरा गोविंद मुझसे बात ही ना करे, क्योंकि दुष्ट कंस का संदेश लेकर के मैं जा रहा हूं। पर ठाकुर जी ने जब सुना कि अक्रूर जी आए हैं, भगवान गौशाला से दौड़ते दौड़ते आए और अक्रूर जी के चरणों से लिपट गए। इधर अक्रूर जी ने नंद बाबा को आज बताया, पहली बार पता चला कि कृष्ण हमारे नहीं है, यशोदा जी से तो छिपाया है। बोले कि भाई अब इनको सुबह लेकर के जाना है कृष्ण बलराम को, आप तैयारी करो। अब मैया तो जब लाला शाम तक अगर सूर्यास्त हो गया और भगवान गैया लेकर के ना आए तो मैया विचलित हो जाती थी। आज भगवान की आयु है 11 वर्ष 56 दिन की, आज तक एक दिन के लिए मैया ने आंखों से ओझल नहीं किया। मैं 3 दिन के लिए कैसे भेज दूं? मैया ने तो नंद बाबा को डांटा है कि आपको तो हां करनी नहीं चाहिए। नंद बाबा कहने लगे अब कब तक ये घर में बंधे रहेंगे, कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही है, और हम सब भी तो जा रहे हैं ना। इधर गोपियों को पता चला है, सब गोपियां लोक लाज का त्याग करके नंद भवन के द्वार पर खड़ी हो गई और अपने सभी तप का पूजा का पाठ का फल यही मांगती हैं कि सूर्य नारायण यदि हमने सच्चे हृदय से तेरा पूजन किया है तो आप उदय मत होना। क्यों? सजन सकारे जाएंगे मेरे नैन मरेंगे रोए, कि बिगना ऐसी रैन कर भूल कबू नहीं होए। जिस समय दशरथ जी को पता चला सुबह मेरे लाल को गद्दी नहीं 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा, तो सूर्य नारायण के आगे जाकर खड़े हो गए कि मैं आपके वंश में सूर्यवंशी परिवार में मेरा जन्म हुआ है, आपको तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, आप सुबह उदय मत होना। इधर गोपियां भी इसी बात को कहती हैं कि प्रातःकाल होते ही आपके दर्शन हम करें उससे पहले हमारे या तो प्राण निकल जाएं या फिर आप उदय मत होइए। पर विधि का विधान बदलता है कैसा नहीं बदलता, सूर्य तो उदय होता है। अक्रूर जी आज लेकर के भगवान को चले हैं, सभी गोपियां रथ के आगे लेट गई। भगवान ने विश्वास दिलाया कि मैं कल आ जाऊंगा, यदि नहीं आया तो परसों आ जाऊंगा। भी तो विरह की कथा है सर, इसी विरह की कथा को चाहे आप 7 दिन तक सुन लो। अक्रूर जी को चिंता हुई कि कंस कहीं भगवान का वध ना कर दे तो इसकी रक्षा कैसे करूं। अक्रूर जी कहने लगे मैं यमुना जी में स्नान करके आया तो यमुना में जैसी डुबकी लगाई है भगवान ने खीर सागर का दर्शन करवा दिया। जो ठाकुर जी रथ में विराजमान है, अक्रूर जी देख रहे हैं कि खीर सागर यमुना जी के जल में प्रकट हो गया। चतुर्भुजी नारायण है, समझ गए ये कृष्ण साधारण नहीं है। अब कंस तुझे बचाने के लिए साक्षात महादेव भी आ जाए तो बचने वाला नहीं है, तेरा काल आ रहा है। तूने कृष्ण को नहीं, तूने अपने काल को निमंत्रण दिया है। ठाकुर जी पहुंचे मथुरा तो मथुरा में तो महाराज खूब शोर मच गया। अरे पूतना को मारवे वाला छोरा आ गया, अरे गिरिराज उठावे वाला छोरा आ गया, सभी भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़े हैं, ग्वाल बाल सब पहले ही पहुंच गए। और ठाकुर जी जब खूब जय जयकार होने लगी तो ग्वाल बाल कहने लगे चौंक कन्हैया ये तेरी इतनी जय जयकार क्यों हो रही है? तो ठाकुर जी कहने लगे भैया इस नगर के जो राजा हैं वो हमारे मामा जी हैं।
अरे सारे तू तो अपनी रिश्तेदारी में आयो है, तू अपनी रिश्तेदारी में आयो है, और अगर हमें पता होती कि तेरी ननसार है तो हम भी अच्छे कपड़े पहन करके आते। सामने से एक धोबी आ रहा था, ये राजभवन का धोबी है। ठाकुर जी ने प्रार्थना करी कि आप जो है हमें अच्छे अच्छे वस्त्र दीजिए। बोले आप कौन? बोले मेरा नाम है कृष्ण। तो धोबी कहने लगा, ओहो अब तुम्हें कपड़े की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है अब तुम्हें कपड़े की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कफन की आवश्यकता है। ऐसा कहा, भगवान क्रोधित हो गए। भगवान ने एक उसके ऐसा चाटा मारा मुंह पर कि उसकी जो गर्दन ही धड़ से अलग हो गई। जितने सैनिक थे सब एकदम से सतर्क हो गए, अरे या छोरा के हाथ में तलवार फटे साहब। अब सामने से दर्जी आया, अब वस्त्र तो ले लिए, अब कोई पाजामा पहन ले, वो पाजामा ऐसा कि उसको ऊपर से कुर्ता पहनने की जरूरत नहीं, गर्दन तक पाजामा आ गया। वो कुर्ता पहन ले तो जब छले तो पूरे मथुरा का मार्ग साफ हो जाए। मुझे लगता है उस जो वस्त्र पहने जाते थे, आजकल माताएं भी ऐसा पहनती कभी कभी, जब चलती हैं तो रास्ता पीछे से साफ हो रहा होता है, ऐसी उस समय भी था। तो दर्जी को बुलाया, दर्जी से कहा कि तुम इस वस्त्रों की काट छाट कर दो। तो क्या कहा, क्या लोगे? भगवान ने कहा पहले बताओ क्या लोगे। दर्जी कहने लगा हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी हमने देखा धोबी का क्या हाल हुआ है, आप तो अपना आशीर्वाद दीजिए। तो आज भगवान ने आशीर्वाद दिया, सबके वस्त्र काट छाट करके एकदम फिट कर दिए, और आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हारी बड़ी महानता होगी, जितने का सूट होगा उससे ज्यादा की सिलाई होगी। प्रेम से कहो जय श्री राधा। और कोई कह दे इमरजेंसी चाहिए साहब तो उतना ही चार्ज लग जाता है। आज ठाकुर जी गए जहां पर धनुष रखा हुआ था, तो सब ग्वालवाल धनुष को आसपास से देख रहे हैं। ठाकुर जी ने स्पर्श किया, द्वारपाल कहने लगा स्पर्श मत करो, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। दूसरा कहने लगा अरे करने दे, कल तक का मेहमान है, कल सुबह तो इसके प्राण उड़ जाएंगे, प्राण फिर उड़ जाएंगे। ग्वालवाल नाराज हो गए, बोले कन्हैया दिखा दे पूतना वाले हाथ। तो आज भगवान ने उस धनुष को उठाया है और उसका भंजन कर दिया, और जैसे ही पता लगा कंस को, कन्हैया ने धनुष को भंग कर दिया, तो समझ गया हमारा गारंटी कार्ड भी खत्म। अब तो वो रात्रि को भोजन करने लगा तो दाल में काला सा जीरा आ गया, थाली उठा के फेंक दी, बोले कन्हैया आ गया। दर्पण में अपने चेहरे को देखता है तो उसकी आंखों की जो पुतली होती है बीच की कारी कारी सी, उसको देखता है तो ईंट उठा करके फेंक दिया, बोले कृष्ण आ गया। हर काली चीज में इसको कृष्ण दिखाई देता है। सुखदेव जी कहते हैं ये भी एक साफ भजन है। गोप्यम कामाद व्यात कंसो द्वेषा चेदाधियो नृपा। गोपी भजन करती है कामदेव के रूप में भगवान, और कंस करता है भयात कंसो, कैसे करता है भय से। द्वेषा चेदाधियो नृपा, द्वेष रखता है द्रियोधन शिशुपाल, वो भी भजन करते हैं। जब तक 99 गाली ना दे दे भोजन नहीं करता था शिशुपाल। आज ठाकुर जी ने जब धनुष भंग किया, प्रातः काल चाड़ूर मुष्टिक मल्ल क्षेत्र का वो रंगमंच है, सभी राजा बैठे हैं, तो भगवान को चुनौती दी। एक बार तो राजाओं ने विरोध किया, बोले कि तुम बराबर वालों से युद्ध करो, ये तो बालक है। 11 वर्ष 56 दिन की ठाकुर जी की आयु है। चाड़ूर कहने लगा ये बालक है तो इसने 7 दिन के ने पूतना कैसे मार दी बताओ, अगा सुर बका सुर तृणावर्त कैसे इसने मार दिए, और मैंने तो सुना इसने गिरिराज को धारण किया, और अभी कल ही तो देखा इतने विशाल उस धनुष को जिसको 20-50 लोग मिलकर के हिला भी नहीं पाते थे, उसको इसने एक ही हाथ से तोड़ दिया।
ये बालक नहीं है, ये किशोर है। ऐसे कहकर के भगवान को खींच लिया और युद्ध होने लगा था। ठाकुर जी ने चाड़ूर का वध किया और बलराम जी ने मुष्टिक का वध किया है। 70 फुट ऊंचे सिंहासन पर बैठा है कंस, और भगवान आज कंस के उस सिंहासन पर पहुंच गए और उसको लेकर ऊपर से ही कूद पड़े रंगमंच में। ठाकुर जी छाती पर बैठ गए कंस की, भगवान ने केश पकड़ लिए कंस के। कंस ने कहा कि अरे मैं तेरा मामा हूं भांजे, केश मत पकड़, दर्द होती है। ठाकुर जी कहने लगे मामा जी अब पता चला कि इसको खींचने से पकड़ने से दर्द होती है, मेरी माँ के तुमने केस खींचे, तुमको शर्म नहीं आई? हम मामा जी आपका यहाँ कोई काम नहीं है। अब तो ठाकुर जी त्रिलोकी का भार लेकर के छाती पर आर 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 धमसीना कूद गए। सभी ने जोरदार तालियों के साथ भगवान का स्वागत किया है। अब कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, सभा में बैठे, बोले कंस का वध हो गया, कन्फर्म कर ले। अगर ऐसा है, हमने ताली बजा दी और कंस कहीं जीवित हो गया तो हमारे पीछे ना पड़ जाए, तो इसलिए आधे लोगों ने ताली नहीं बजाई साहब, तो एक बार बजा दो, अब कंस का हकीकत में वध हो गया। बोल अचुर निकंदन भगवान की जय। अब तो सभी ने ठाकुर जी का स्वागत किया है मथुरा में। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। मामा जी लेट आए आज का काम, तो मामा जी चले गए ब्यूटी पार्लर, शादी है बिठा बिठा के, कोई बात नहीं। अब मैंने ये भी देखा है कि दिल्ली वालों का ठुमका कितना जोरदार होता है, ठीक है सर, तैयारी कर ले। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। I'm
ठाकुर जी का सभी ने स्वागत किया तो भगवान सबसे पहले कारागार पहुंचे, अपनी मैया को अपने बाबा को कारागार से मुक्त किया। वसुदेव जी कहने लगे, मैं तो अपने पुत्र का दर्शन तब करूंगा जब मैं 1,00,000 गैयाओं का दान कर दूंगा, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था कि जब मेरे पुत्र का मुझे दर्शन होगा जीवित, डर था इनका, तो मैं 1,00,000 गैयाओं का दान करूंगा। तो देवकी जी कहने लगी, अरे भीर, यह संकल्प वंकल्प तू बाद में करियो, पहले हम अपने पुत्र को दर्शन कर लें। तो आज वसुदेव जी ने मानसिक संकल्प कर दिया, मन से संकल्प करने का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए इसको टाला जा सकता है, थोड़ी देर के लिए, बहुत देर के लिए नहीं टालता। तो भगवान का दर्शन किया, भगवान ने अपने माता पिता का पूजन किया है। आज वसुदेव जी को मथुरा के सिंहासन पर बिठाया, चरणों में बैठ गए। इधर नंद बाबा को और जितने ब्रजवासी आए थे सबको सांत्वना दी कि मैं थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अब मथुरा में बड़े हो रहे हैं, पढ़ने के लिए उज्जैन पहुंचे और उज्जैन में जाकर के सांदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़े गए, और सांदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ करके भगवान ने केवल 64 दिनों में 64 कलाओं को सीख लिया। भगवान श्री राम भी थोड़े समय के लिए पढ़ने गए थे, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, ऐसी ठाकुर जी। पर ठाकुर जी के परम मित्र बने हैं सुदामा जी, ब्राह्मण के संग मित्रता हो गई। सुदामा जी एकांत में रहते थे ज्यादा। ठाकुर जी ने कहा कि भाई मुझे तो ब्राह्मण बड़ा आकर्षित करते हैं, और ये पंडित जी तो हमसे मुख मोड़े मोड़े घूम रहे हैं, बसते घूम रहे हैं। एक दिन पकड़ लिया सुदामा जी को, बोले आप हमसे भागते क्यों हैं, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आप हमें देख करके हमसे विमुख हो जाते हैं। बोले कि प्रभु आप राजकुमार हैं और मैं गरीब ब्राह्मण हूं, और मित्रता तो बराबर वालों में होती है, कहां मैं दीनहीन ब्राह्मण और कहां आप राजकुमार। ठाकुर जी ने कहा कि हमारे तो किताब में कोई दीनहीन नहीं है, आप हमारे साथ मित्रता करो। सुदामा जी कहने लगे, कभी व्यवहार निभाना पड़ा तो ठाकुर जी कहने लगे, तुम मत निभाना, मैं निभाऊंगा अपनी तरफ से। ठाकुर जी के संग मित्रता हो गई। और जब ठाकुर जी आए मथुरा लौट करके, तो इन्होंने अपनी गुरु माता को, उनके मृत पुत्र था एक, वो मर चुका था, मृत पुत्र को गुरु दक्षिणा में दिया, तो मथुरा पहुंच गए। पर जब से भगवान पढ़ करके आए हैं बड़े उदास हैं। मैया अपने हाथों से भोजन ठाकुर के लिए बनाती है, मन में सोचा कि मेरे लाला को माखन मिश्री बड़ा पसंद है, मैंने सुनी है, क्योंकि तो पाला तो है नहीं बचपन में। तो आज थाली में भोजन रखा, संग में एक कोने में माखन मिश्री रख के ठाकुर जी के कक्ष में पहुंची, तो भगवान माखन को देख करके फूट फूट कर रोने लग गए। आज भगवान को मैया यशोदा की याद आ गई। देव की दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास गई, बोले कि जब से कृष्ण आए हैं तब से एकांत में रोता रहता है, आपको तो राजपाट से फुर्सत नहीं है। बोले देवी, इसका बचपन जो है वो हमारे पास नहीं बीता, हमें नहीं पता इसको क्या अच्छा लगता है, इसका स्वभाव कैसा है, कभी कभी बालक संकोच करता है माता पिता से बात करने में, तो आज मित्र को भेजा है। कौन मित्र है? कि बिष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पति साक्षा उद्धवो भुक्ति सत्तम
बृहस्पति के साक्षात ये शिष्य हैं, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, और उद्धव जी महाराज को भेजा। उद्धव जी गए, यदुवंशियों के महामंत्री हैं, बोले कि आपका महल में मन नहीं लगता तो आपको मैं चलो थोड़ा सैर करा लाता हूं। तो किशोरी जी नित्य प्रतिदिन एक कमल का फूल वृंदावन से छोड़ा करती थी यमुना जी में कि कभी ना कभी मेरे प्रियतम इस फूल को देखेंगे और इस फूल के द्वारा उनको हमारी याद तो आएगी, वो तो जब से गए हैं भूल गए हमें। इधर ठाकुर जी उद्धव जी के साथ यमुना के किनारे पर टहल रहे हैं, सामने से कमल का पुष्प आया। ठाकुर जी ने जैसे ही कमल का पुष्प लिया और अपनी नासिका से लगाया है, सुगंध ग्रहण करी, तुरंत मूर्छित होकर के गिर पड़े। दौड़े दौड़े उद्धव जी आए, यमुना के जल का छींटा दिया, नेत्र सजल हो गए भगवान के और एक ही बात कही कि उधो मोहे ब्रज विसरत नाही, मुझे ब्रज है मैं भूल नहीं पा रहा हूं। उधो जब मैं छोटो हतो ना, पर भोजन करते समय यदि मेरे एक ग्रास भी अगर मैं कम खा लेता, मेरी मैया जो है तमाम ब्रज के वैद्य पकड़ पकड़ करके लाती कि मेरे लाला ने आज एक ग्रास कम खाया है, इतनो मेरी मैया प्रेम करती। और तो और उद्धव जब मैं स्नान करता तो मेरे ये घुंघराले केश में से यदि एक बाल भी टूट जाता तो सभी ब्राह्मणों को बुलवा करके कुल देवी का पूजन करवाती कि मेरे लाला के केश को एक बाल टूट गया। मैं माखन की मटकी फोड़ देता तो गोपी की तो मैया दोनों दोनों माखन देती, इतनो मोती प्रेम करती। और मैं उन ब्रजवासी अपने मैया बाबा से झूठ कहकर के आयो कि मैं परसों आ जाऊंगा। बंधुओं कोई कार्यक्रम होता है ना घर में तो कोई छोड़ करके जब विदा होते हैं मित्र तो कैसे लगता है, दिल खाली खाली होता है। जिसके जीवन में से ठाकुर जी विदा हो रहे हैं तो उसका कहने उसके हृदय की वेदना को कौन समझेगा। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं जान गया यदि मुझे ब्रजवासियों की याद आती है तो उनको भी मेरी याद जरूर आती होगी। भगवान ने खत लिखा, उद्धव जी को दिया, बोले तुम जाओ और मेरी मैया को, राधा रानी को, सबको मेरी ओर से प्रणाम करना। और मैं जान गया मुझे ब्रज क्यों निकाला गया। ठाकुर जी भी इस बात को कहते हैं कि ब्रज में यदि रहना है, अरे दुनिया वालों तुम मेरे नहीं किशोरी जी के शरणागत हो जाओ, मेरे नहीं। हे वृषभानुसुते ललिते मम कौन कियो अपराध तिहारो, काड़ दियो ब्रज मंडल ते अब और हो कष्ट रहो अति भारो। किशोरी जी मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आपने मुझे उस ब्रज क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। अब तो उद्धव जी कहने लगे, कन्हैया मैं जाऊंगा तो सही पर अभी जा रहा हूं तो शाम तक लौट करके आ जाऊंगा, वो अनपढ़ ब्रजवासी मेरी वेदांत की भाषा को कहां समझेंगे। ठाकुर जी ने कहा कि भैया थोड़ा सहज होकर के समझाना, वो समझ जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं इधर ब्रज के जो ग्वाल बाल हैं ऊंचे टीला पर चढ़ जाते हैं, मथुरा की ओर से कोई रथ आता है तो देखते हैं कि आज मेरे कन्हैया आ रहे होंगे। पर जब वो रथ निकल जाता है वृंदावन को छोड़कर आगे तो रोते रोते नीचे आ जाते हैं कि आज भी कृष्ण नहीं आए। पर आज जब उद्धव जी का रथ आया और वृंदावन में जब रुका है तो सभी ने उस रथ को घेर लिया और उद्धव जी को प्रणाम किया है। उद्धव जी ने जय श्री कृष्ण, मैं कृष्ण का मित्र हूं, दूत बनकर के आया हूं, कोई बता सकता है आदरणीय नंद बाबा और मैया यशोदा कहां विराजती हैं।
ग्वाल बाल कहने लगे, वाह इतने वर्षों के बाद याद आई तो मिलने नहीं आया, चिट्ठी भेजती है। बोले जब से भगवान गए हैं तब से नंद भवन का मार्ग बड़ा सरल हो गया। ये जो पानी का पनारा बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसके किनारे किनारे पर जाओ और जहां पर ये किनारा ये जल जो है खत्म होता है, विश्राम लेता है, वो ही नंद भवन है। उद्धव जी कहने लगे, क्या ये यमुना जी का जल है? बोले नहीं नहीं, ये यमुना का जल नहीं है साहब, ये मैया यशोदा के अश्रु हैं। जब से भगवान छोड़ करके ब्रज को गए हैं तब से मैया यशोदा की आंखों से, बाबा की आंखों से एक मिनट के लिए भी अश्रु बंद नहीं हुए। उद्धव जी महाराज पहुंचे, नंद बाबा को प्रणाम किया, नंद बाबा लाठी टेक करके आए, उद्धव को हृदय से लगा लिया। बोले मेरे कृष्ण का मित्र है, और मित्र भी पुत्र की तरह ही होता है, मैं कन्हैया को तो नहीं, मैं तुझे अपने हृदय से लगा करके यही समझ लूंगा कि मैंने अपने कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया। भीतर से मैया यशोदा आई और दोनों को डांटा है, उद्धव जी को भी डांटा और बाबा को भी डांटा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जब मैं स्नान करके लाला को माखन मिश्री पवा करके पलना में सुला दूं तो शोर मत मचाया करो, लाला जाग जाएंगे। उद्धव जी कहने लगे, घर के भीतर कौन से लाला है? एक लाला को तो मैं मथुरा छोड़ करके आया हूं, और भीतर जाकर के देखा तो मैया यशोदा खाली पलना में एक कपड़ा को एक गुड्डा बना करके उसको झूला झुलाती है। अरे मैं तो भूल गई, वो तो मुझे छोड़ करके चला गया। अरे उदो, एक बार गलती से मैंने उसको उखल से बांध दिया, उखल से बांध दिया, कहीं उसी दिन की बात मन में लगा करके वो मुझे छोड़ करके तो नहीं चला गया। तू यदि मथुरा जाए तो कृष्ण को मेरा एक संदेशा देना कि तुझे तेरी बूढ़ी मैया याद करती है, हे कृष्ण तू दर्शन देने जल्दी पहुंच, कहीं ऐसा ना हो कि रो रो करके ये आंखें अंधी हो जाएं और जब तू आए मैं तेरा दर्शन भी ना कर पाऊं। सारी रात उद्धव जी रोते रहे, और प्रातः काल गए हैं यमुना के किनारे, और जाकर के उद्धव जी ने समस्त गोपियों को प्रणाम किया है। गोपी जो है कहती है, हमें भगवान से कृष्ण से मिलने में इतना आनंद नहीं जितना उसकी विरह में हमें तड़फन में आनंद आता है। परम विचार तो इस बात का करती है, हमारी तो कोई बात नहीं, क्या उनको कभी किशोरी जी की भी याद नहीं है? हम तो पीछे हैं, पहले तो राधा रानी है। राधा रानी ने गोपियों ने पूछा कि किशोरी जी सबको भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं, हम जब सो जाती हैं याद करती करती तो सपने में भगवान दर्शन देते हैं, और ऐसा ही होता है साहब, जो आप चिंतन करके सो जाओ आपको स्वप्न में दिखाई देता है कभी कभी। पर किशोरी जी क्या आपको सपने में भी भगवान का दर्शन नहीं होता? तो किशोरी जी कहती हैं, कदा निद्रा पिबैरणी भूली की जब से ठाकुर जी वृंदावन को छोड़ करके गए हैं निद्रा भी मेरी बैरी बन गई है, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। उद्धव जी ने कहा कि नासिका के अग्रभाग में ध्यान करो, और जिसका तुम चिंतन करोगे धीरे धीरे वो तुम्हारे सामने उसकी छवि बन जाएगी, योग सिखाने का। अपने हृदय में उस छवि का चिंतन करो। तो गोपियां कहने लगी कि हृदय में चिंतन तो हम करें पर हृदय कहां से लाएं? उद्धव जी कहने लगे, क्यों क्या तुम्हारे पास हृदय नहीं है? बोले उद्धव जी हृदय कितने होते हैं? बोले सबके पास एक एक हृदय होता है। बोले एक होता है ना, पर हमारा हृदय हमारे पास नहीं है, हमारा हृदय तो श्याम सुंदर के पास है।
कि उदो मन न भय दस बीस एक हतो जो गयो श्याम संग अब कौन आराधे ईश। बड़ा प्रसिद्ध ये भजन है उद्धव जी का। आज गोपी जो है उद्धव को प्रेम की भाषा सिखाती है कि उदो ये योग की भाषा नहीं है, ये प्रेम की। और प्रेम की भाषा कैसी होती है कि पूथी पड़ पड़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई और ढाई आकर प्रेम के पड़े सो पंडित होए। तो बहुत बड़ा पंडित बना फिरता है, आ तुझे हम प्रेम की भाषा सिखाती है। कि ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे हो कम नहीं होता जो असल में है मस्ती में।
इन नैनन में पलक झांक तो लू ना मैं देखूं और तू और ना तो है देखन छाप तिलक सब चीरे तो गुरु वृंदावन बिहारी लाल की।
उद्धव जी महाराज की ज्ञान की चादर जो है वो भक्ति के रंग से सुशोभित हो गई। छह महीने तक भक्ति की चर्चा चलती रही और क्या कहा था, मैं सुबह जाऊंगा और शाम को आ जाऊंगा। और जैसे ही मथुरा पहुंचे हैं तो ठाकुर जी से एक ही बात कही कि कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो गए, क्या हो गए निष्ठुर। अब पहले तो ये भगवान के भक्त थे तो भक्त और भगवान में तो सब मर्यादा होती है, पर जब कहा निष्ठुर हो गए तो ठाकुर जी खिलखिल करके हंस पड़े, बोले आओ भगत जी आपका स्वागत है, अब आप पहले ज्ञानी थे अब भगत बन गए, अब थोड़ी देर में थोड़े थोड़े समय पर वृंदावन आते जाते रहना, मेरे प्रेमी भी बन जाओगे। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, समय समय पर ठाकुर जी की कथाओं में आते जाते रहो, भगत तो आप बन गए। इस सभा में वही बुलाए जाते हैं जिनको ठाकुर जी का निमंत्रण होता है, नहीं तो कभी ऐसा मैंने देखा है कि निमंत्रण हमने किसी को दिया पहुंच कोई गए, क्योंकि उनके भाग्य में वो लिखा था। अब दिल्ली से लुधियाना आना है तो बुआ जी जिन लोगों को तैयार किया संग में दो चार और हो लिए, बोले तुसी जा रहे हो जैसी भी जा रही। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है आप भागवत शरणागत हो जाओ सब, क्योंकि कलयुग का परम धर्म है वो कोई और नहीं, वो भागवत धर्म ही परम धर्म है। पर मुझे बहुत ठेस पहुंचती है जब मैं तंबूगाड़ कथा देखता हूं। बताए मित्तल साहब तंबूगढ़ कथा कौन सी, आजकल ऐसी कथाएं बहुत चल रही हैं। वो कहते हैं सानू कुछ नहीं चाहिए बस सानू जगह दे दो, और जगह लेकर के महाराज फिर देखें 5-6 दिन के बाद टेंट का खर्चा मित्तल जी करेंगे, फलाना खर्चा फलाने जी करेंगे, माइक में सबको पकड़ लेते और शब्द बोले। मैंने सुना है व्यास अपने मुख से कहते कथा से घाटा पै गया, अरे मूर्ख कथा में घाटा पड़ गया, ऐसी सची नहीं चल रही कथा ऐसी। दास के ऊपर तो ठाकुर की बड़ी कृपा है, अब हम कोई अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता तो है नहीं साहब, जो आपको टीवी टेलीविजन पर दिखेंगे। लोग बहुत से कहते हैं पंडित जी कथा करवानी है पहले अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भेज दो, ऐसे कहते हैं लोग। पर मैं आपको एक सत्य बात बताऊं, कथा वक्ता का कथा की आपको परीक्षा नहीं लेनी है ना, वक्ता की परीक्षा जरूर लो। और वक्ता की परीक्षा कहां होती है, भागवत के अंतर्गत। आप YouTube पर क्या देखोगे, और मैं आपको खुद बताऊं अपनी, मुझे अपनी कथा YouTube पे अच्छी नहीं लगती जब मैं सुनता हूं, क्योंकि महाराज यह वातावरण ही दूसरा है साहब। ये जो वातावरण है ये आपको टेलीविजन पर मिलने वाला नहीं है, यहां ठाकुर जी आपके सामने बैठे हैं, भागवत जी सामने हैं, ये वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। और माता जी ये जो वाइब्रेशन है ये भी कहीं नहीं मिलती। अब ये 4 बजे से पहले की जो वाइब्रेशन है जो ऊर्जा है और 4 से 7 की जो ऊर्जा है आप लोगों ने अनुभव करी कि नहीं करी मुझे नहीं पता, पर मुझे तो अनुभव होती है। जब ये व्यास पीठ सज जाती है उसके बाद इस घर का वातावरण ही कुछ और हो जाता है साहब, तो किसकी कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अब हमने अभी नवीन वर्ष, अभी ये पहली कथा है इस साल की, तो एक बहुत किसी के कहने पर हमें ये विचार आया, और उसका देखो भगत भी आपको कोई ना कोई अच्छी गाइड कर देते हैं। अब ये भागवत के जो खर्चा है ना जी तामझाम ये सब हम खत्म करने वाले हैं, अब हम भागवत परिकर बनाने जा रहे हैं, भागवत परिकर परिवार, और लगभग 150 से ज्यादा कथाएं मेरी हो चुकी हैं,
पर मैं आज से पहली मानूंगा। आज से मैं कोई कथाएं लिखता नहीं, कितनी हो गई कितनी, क्योंकि कितनी कर ली भैया, अभी तो सीख रहे हैं। तो भागवत परिकर में मेरा उद्देश्य यह है कि माताजी अष्टोत्तर भागवत कथा करेंगे। अष्टोत्तर का मतलब 108। अष्टोत्तर हम भागवत कथा करेंगे और उस परिकर में, उस परिवार में जो भी जुड़ना चाहता है उसमें कुछ मासिक शुल्क, 500-1000 रुपए अपना देकर के उस परिवार का मेंबर बन जाए और कुछ नहीं देना। अब आपके महीने के 1000 रुपए से हर महीने भागवत जी होंगे, हर महीने, और आप भी करवा सकते हैं। अब कोई मेरे से जब पैसे की बात करता है तो मुझे टेंशन होने लग जाती है, पंडित जी भागवत का खर्चा कितना। तो वो खर्चा तो महाराज एक व्यक्ति ने इसलिए कथा नहीं कराई, मित्तल साहब सोसाइटी वाले आए मेरे पास 32 सेक्टर से, वो कथा इसलिए नहीं कराई, बोले कथा जी तो 5 लाख रुपया लग जाए। अब मैंने की किस बात का, बोले टेंट का, भंडारे का, वो सम्मानित करने वाली जो क्या कहते हैं उसको, ट्रॉफी वगैरह कुछ भी उसका, अब वो खर्चा मेरे साथ क्यों जोड़ते हो भाई, मैंने थोड़ी 5 लाख मांगा। और व्यासपीठ साक्षी है, हमने तो कुछ नहीं मांगा कभी, इनका तो धर्म है, ब्राह्मण की दक्षिणा देना भी आपका धर्म है। तो ये भागवत परिवार जो है, अब मैं तो अपने आसपास के एरिया में कोई कहने की दे रहे, बोले पंडित जी आप कुछ कहो तो सही, तैयार खड़े सब। तो यदि आप भी इस भागवत परिकर से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ें, और मैं बिना पूछे ये जिम्मेवारी पवन जी की लगा रहा हूं। पवन जी कहां गए, पवन जी अब कल से हमने इनको कुर्ता पहनाना शुरू कर दिया, तो अब तो हम आपके पुत्र को ठाकुर जी के चरणों में बिल्कुल प्रभु लगा दिया, ठीक है ना जी। और मेरी इच्छा ये भी है कि वर्ष में एक बार हम कहीं ना कहीं तीर्थ में भी भागवत कथा किया करेंगे, कभी नंदगांव, कभी बरसाने, कभी कहीं, कभी कहीं। तो यदि परिवार होगा तो परिवार में सब बैठ करके चिंतन करेंगे। और मैं तो कहता हूँ मित्तल जी कैश है तुसी बन जाओ, कैश आप ही संभालो, सानू कैश कैश नहीं लेना, हर जगह कैशियर है। तो आप अग्रणी होकर के जिम्मेवारी लोग कथा के, अभी फरवरी के पहले हफ्ते तक मैं व्यस्त हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और हम भागवत परिवार बना करके, जैसे बीजेपी ने नारा लगाया घर घर मोदी, अब वो तो राजनीतिक नारा है वो है? अब हम घर घर भागवत का नारा लगाएंगे और हर घर में भागवत कथा हो, हर आस पड़ोस में भागवत कथा हो। और यदि आप प्रमाणित मांगे कि हाँ पंडित जी तुसी, आप मुझे नहीं पता आपने पास किया कि नहीं किया, अगर आप समझे भागवत करने के योग्य हैं पंडित जी तो इस परिवार से जुड़िएगा, अन्यथा जहां भी आप हैं सही जगह जरूर जुड़ो। तो हमारी ये इच्छा है पवन जी, शास्त्री नगर की पूरी जिम्मेवारी आपकी, ठीक है ना जी। तो बड़ी जल्दी हम जो पहली कथा है इस वर्ष गोवर्धन में करेंगे, ठीक है, गोवर्धन से करेंगे, क्योंकि वहां पर अपनी फैसिलिटी है, सब सारी सारे होंगे, सेवा करवाएंगे आपसे, रबड़ी भी दुकान है पवन जी। तो आप सभी जो है संपर्क कीजिएगा, और ठाकुर जी जब भी बुलाएं ऐसे कार्य के लिए दौड़े जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ठाकुर जी उद्धव जी को हृदय से लगाते हैं। इधर कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, अपने पिता जरासंध के पास गए और जरासंध के पास जाकर के रोने लगी, तो ठाकुर जी पर इसने 23 अक्षुणी सेना लेकर के आक्रमण किया। ठाकुर जी इसको मारते नहीं है, हरा देते हैं और जीवित छोड़ देते हैं। बार बार ये आता है, बार बार ठाकुर जी 17 बार हराया भगवान ने इसको। मारते क्यों नहीं है, बोले मारेंगे तो ये एक बार में सब सुपड़ा साफ हो जाएगा,
जीवित छोड़ देते हैं। ये क्या करता है, अपने जैसे दुष्ट राजाओं को इकट्ठा करता है, फिर आक्रमण करता है, और ठाकुर जी उन सबको मार देते हैं, इसे जीवित छोड़ देते हैं, जाओ और बीन करके ला। तो बिना दिए लिए का एजेंट मिल गया ठाकुर जी को। अब तो ठाकुर जी भूभार ग्रहण हरण करने के लिए जिस उद्देश्य से इन्होंने अवतार लिया है उस कार्य में लग गए। बोले लीलाएं तो बहुत हो गई। अब बंधुओं 18वीं बार जब जरासंध जाने लगा तो ब्राह्मणों ने खूब इसके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर इसको आशीर्वचन विजय आशीर्वाद दिया। नमो ब्रह्मंड देवाय गो ब्रह्मंड हिताय च जगदीदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राजन आप विजयी हो। जरासंध कहने लगा क्यों झूठ बोलते हो, बार बार कहते हो कि विजय हो और मैं हार करके वापस आ जाता हूं, अब की बार यदि मैं विजय नहीं हुआ तो आपके मस्तक को काट दूंगा। ब्राह्मणों को ब्राह्मण थर थर कांपने लगे। बोले ऐसा यजमान पहली बार देखा। तो ठाकुर जी से मनी मन प्रार्थना करी, ठाकुर जी या तो इसको मार देना या खुद आप रण छोड़कर भाग जाना। तो आज ठाकुर जी के संग जब युद्ध हुआ है, भगवान ने पहले ही द्वारिका का निर्माण कर दिया था और उस द्वारिका में भगवान अपने संपूर्ण परिकर को लेकर पहले चले गए, पहले पहुंचा दिया। और इधर कृष्ण बलराम युद्ध कर रहे अकेले, और जरासंध के साथ युद्ध करते करते भगवान को जिन क्या सूझी, ठाकुर जी अपना रथ वथ सब छोड़ करके भाग गए। और ठाकुर जी भागे, जरासंध तो नाचने लगा, वो जा रहा रण छोड़, मैंने कृष्ण को हरा दिया, वो जा रहा रण छोड़। बोलो रण छोड़ भगवान की जय। अब तो ठाकुर जी द्वारिका में आकर के बसे, और द्वारिका कैसी है, सोने की। अब बंधुओं द्वारिका में जब पहुंचे मथुरावासी, सोए मथुरा में उठे द्वारिका में, तो द्वारिका के अब उनको मार्ग बाहर निकलने का मिल नहीं रहा, तो एक दूसरे से पूछ रहे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, तो नाम पड़ गया द्वारिका। ठाकुर जी जहां द्वारिका में विराजमान है, सोने की नगरी। इधर विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं, जिनके 5 पुत्र हैं, 1 पुत्री है, और बड़ा पुत्र जो है इसने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह जो है वो शिशुपाल के संग पक्का कर दिया। पर रुक्मणी जी तो बचपन से जो है अपनी माँ से कथाएं सुनते सुनते ठाकुर जी से उसका प्रेम प्रगाढ़ हो गया। आज जब उसको पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होने जा रहा है, तो एक ब्राह्मण को बुला करके चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी जो है ब्राह्मण देवता लेकर के पहुंचे द्वारिका में। ठाकुर जी समझ गए, सामने से चिट्ठी आई, थोड़ा सा शर्मा गए। क्या कहते हैं ऐसे पत्र को, प्रेम पत्र। पहला पत्र था दुनिया का, आजकल तो पत्र पत्र का जमाना गया। आज तो माता जी घर में धर्म पत्नी की लड़ाई पति के साथ हो जाए। पहले क्या होता था, लड़ाई हो गई तो पत्नी चिट्ठी लिखती थी, 1-2 महीना में पहुंचती थी, उधर से पिता भाई और पूरी पंचायत लेकर के पहुंचते थे, अब 2-3 महीना में गुस्सा शांत हो जाता है। बोले हमारी बेटी को परेशान करते हैं, जो मांगा सो दिया तो है हमने। और 2-3 महीने के बाद जब पहुंचते थे तो बेटी खिलखिला करके हंसती, आओ पिताजी बड़े दिनों बाद आए हो, उनका स्वागत करती थी। बेटी तू प्रसन्न है, मुझे तो बड़ा आनंद है। तो वो चिट्ठी छोड़ो पिताजी, उस चिट्ठी को आप आओ, आप प्रसाद, आप भोजन ग्रहण करो, भैया नहीं आए क्या। तो आज क्या होता है, आज तो वीडियो कॉल पर रो रो के दिखाती है, मेरे यहाँ ये हो गया।
और फिर ऑनलाइन ही वकील जो है वो नोटिस भेज देता है। प्रेम से कहो जय श्री राम। बड़ा फास्ट सिस्टम हो गया, ऐसा नहीं है। आज भगवान ने जब उस पत्रिका को पढ़ा है तो तुरंत भगवान ब्राह्मण को लेकर के रथ पर आरूढ़ हुए और भगवान पहुंचे हैं रुक्मणी जी के महलों में। ठाकुर जी बाहर इंतजार कर रहे हैं। रुक्मणी जी ने खत में लिख दिया था, बोले कि आप यदि महलों के भीतर आओगे आपको बहुत सेना मिलेगी, पर हमारा एक नियम है। नियम क्या है कि जब शादी होती है ना तो कन्या दुर्गा के पूजन को जाती है, गौरा के पूजन को जाती है, और जब मैं पूजन करने जाऊंगी तो मेरी सखी होंगी संग में, दो चार सैनिक हो सकते हैं पर सखी होंगी, तभी आप मेरा हरण कर लेना। तो पहले ही बता दिया हरण कैसे करना है। तो आज रुक्मणी जी जो हैं खूब सज धज करके थाल लेकर के पूजन का जा रही हैं। कात्यायनी महामाये महायोगीन देश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे भर दे पुरु। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी, हे कात्यायनी मैया हम तो यही मांगती हैं, नंद गोप सुतम देवी पति में वर दे करो, पति के रूप में वर हमें चाहिए नंद गोप कुमार। भागवत जी का बड़ा सिद्ध मंत्र है, जिस बहन का विवाह ना होता हो तो मंगलवार से प्रारंभ करके तीन मालाएं इस मंत्र की करें तो 41 दिन के भीतर भीतर हाथ पीले हो जाएंगे। और यदि कोई चाहे कि गृहस्थ जीवन समृद्ध हो जाए, पति पत्नी में थोड़ा सा विनोद होता है, तो धर्म पत्नी एक माला डेली किया करे, नंद गोप सुतम देवी पति में वर दे कुरु। आज तो रुक्मणी जी कात्यायनी देवी के गौरा जी के मंदिर में नृत्य कर रही हैं कि ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को जो लियो अमर हुए जाए। आज हमारी बड़ी बहन विराजमान है, आज इनके भी विवाह को 21 वर्ष हो गए, तो एक बार ताली बजा दो भाई इनकी विवाहिक वर्षगांठ है। दूल्हे राजा कहाँ पर है? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो आज तो रुक्मणी जी के संग में आपकी भी जयमाला होगी, भागवत जी के अंतर्गत होनी चाहिए साहब, ठीक है ना? तो पहले रुक्मणी जी का स्वागत करें, उसके बाद में आगे के आनंद में सभी सम्मिलित हैं। बोलो रुक्मणी हरण भगवान की जय। कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सुंदर के दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो।
मुझे तो ऐसा मालूम पड़ा कि ठाकुर जी बड़ा जोरदार नाचते हैं। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। और आजकल तो रिवाज हो गया झूला नाचता है। तो अमित जी झूला केवल आज ही के दिन नाचता है, बाद में होली में नाचता है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन हो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ सत्संग में तेरी बात चलाई, ओ सत्संग में तेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने तेरी किनी रे सगाई, तो पहले रुक्मणी जी जो है अब दूल्हा को ऊंचा उठने की जरूरत नहीं है, दूल्हा कैसे बहुत ऊंचा, तो पहले रुक्मणी जी पहरावे उसके बाद ठाकुर जी। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो प्रेदर्श वाह, स्वस्ति न पूपा विश्व जी। अब हमारी बहन जी और अमित जी भी आ जाए। आओ अमित जी, साहब भागवत जी के आगे ये आनंद कार्य हो रहा है, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। अमित जी मैंने आपका ठुमका भी देखा है, आप बता दो जिनकी विवाह सालगिरह है। आप बता दिए, सभी ताली बजा करके हमें नीचे नहीं होना पड़ेगा। टोयोटा की एक गाड़ी है, टोयोटा की 9369 टोयोटा की, वो गाड़ी बाहर डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा उसको आगे पीछे करवा दें। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम अरुण ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय श्री तनो हरे, बांके बिहारी लाल की जय, रुक्मणी हरण भगवान की जय। अब देखो साहब ठाकुर जी और रुक्मणी जी तो वानित करेंगे,